पर फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एंड्रॉइड सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A20 का एक ऐसी सेटिंग जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो आपने ट्राई नहीं की होगी। तो दोस्तों, वो सेटिंग है कीबोर्ड सेटिंग जो कि आपने पहले यूज़ नहीं किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों वो कैसे करते हैं हम कीबोर्ड सेटिंग, और आपने फ़ोन के स्टाइल को थोड़ा अलग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम कीवर्ड पर, मैं यहाँ पर से डायरेक्ट जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे फ़ोन की जो कीवर्ड है वो फ़ोन के बीच में है, आप चाहते तो कहीं भी ले जा सकते हो इसको। ये देखिए यहाँ पर ऊपर उसके बाद, सॉरी दोस्तों गलत जगह टैप हो गया मेरा। ये देखिए देखिए, इस कीवर्ड को आप कहीं भी ले जा सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो या फिर आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। तो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग है। बहुत ही इजी है, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो एकदम ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा 3 लाइन, उस पर टैप करना है आपके कीबोर्ड का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लिपबोर्ड मोड्स एंड टेक्स्ट एडिटिंग। तो यहाँ पर से हम जाएंगे मोड्स पर। मोड्स पर जाने के बाद ये देखिए दोस्तों, फ्लोटिंग कीबोर्ड जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये सेट करेंगे आप तो ऐसे हो जाएगा कि अभी आप ले जा सकते हो। और अगर वन हैंडेड कीबोर्ड है जो कि एक साइड में आएगा स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक अलग लुक देगा अपने फ़ोन को, या फिर आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मोड्स पे जाएंगे और स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है हर फ़ोन में, आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो इस सेटिंग को। तो यही था दोस्तों आज शेयर करने के लिए आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कहीं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।